तो दोस्तों आप देख सकते हैं साबूदाना का जो हलवा है वो कितना टेस्टी बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, वाव, जिसे देखते ही मुंह से पानी आ जाएंगे, इतनी टेस्टी हुई है साबूदाना का हलवा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे साबूदाना का हलवा कैसे बनाया जाता है, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस होता है। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके मोबाइल पे जा सके और आप हमारे प्यारे वीडियो को देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे साबूदाना का हलवा। किसी भी चीज का अगर आप हलवा खाए होंगे तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साबूदाना का हलवा भी बनाकर ट्राई करें अपने घर, और अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। ये बहुत ही टेस्टी होता है साबूदाना का हलवा। तो चलिए आज हम आपको बनाकर दिखाते हैं। तो इसे ना भिगाने का झंझट है ना कुछ भी, हम इसे क्या करेंगे, कच्चे साबूदाना को ग्राइंडर जार लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, और इसे हम क्या करेंगे फटाफट ग्राइंडर जार में इसे पीस लेंगे। दरदरा सा हमें इसे पीस लेना है। अब हम इसके ढक्कन को लगा देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं साबूदाना को हमने दरदरा सा पीस लिया है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके मोबाइल पे जा सके और आप हमारे प्यारे वीडियो को देख सके। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर रख देंगे कढ़ाई, और कढ़ाई को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। कढ़ाई हमारा जो है गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे रिफाइन। अगर आप घी में भी इसका फ्राई करते हैं तो आपका हलवा जो है और भी अच्छा बनेगा। तो हमने यहाँ पे रिफाइन का यूज किया है, रिफाइन तेल का यूज किया है। आप इसमें भी बना सकते हैं हलवा को। तो अब हम इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल जो है हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबूदाना का जो हम रुक के रखा था उसे ऐड करेंगे, और इसे हमें फटाफट लगातार चलाते रहना है। फ्रेंड्स अगर आप इसे कंटिन्यू नहीं चलाइएगा तो ये नीचे की तरफ लग सकता है, क्योंकि ये बहुत जल्द लग जाता है नीचे की तरफ। तो इसे थोड़ा फास्ट में आपको चलाते रहना है और इसे भून लेना है। भून लेने से होता है कि हमारा साबूदाना का जो कच्चापन होता है वो निकल जाता है, जिससे हमारा हलवा जो बनता है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसे व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि इसे फास्टिंग में भी बनाया जाता है। तो आप इसे नवरात्रि स्पेशल समझिए, या बच्चों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है, उन्हें भी जरूर हलवा बनाकर खिलाना चाहिए, क्योंकि साबूदाना जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इसे लगातार चलाते हुए भून लिया है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका कलर जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, इसका कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन हम इसका थोड़ा सा कच्चापन निकालने के लिए इसे अच्छे से थोड़ा सा भून लेते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं इसे हमने कितने अच्छे तरीके से भून लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें अगर आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। अगर तो फ्रेंड्स हमें इसे लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियां ना बने, इसलिए हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी किशमिश। आप चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जिस तरह आप मीठा खाना पसंद करते हैं, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। और बस हमें इसे लगातार चलाते रहना है। जब हमारा साबूदाना का हलवा जो है पक जाएगा तो कढ़ाई से अलग होने लगेगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे येलो फूड कलर। इससे क्या होता है, हमारा साबूदाना का जो हलवा बनेगा वो बहुत ही कलरफुल बनेगा, जिससे खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर भी हो तो आप ऐड कर सकते हैं, और इसे हमें लगातार चलाते रहना है।
ताकि ये अच्छे से पक जाए और नीचे की तरफ लगे नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरे तरीके से हलवा बनाते हैं साबूदाना का, तो आपका भी हलवा इसी तरीके से बनेगा। अब हम इसमें एक चम्मच ऐड कर देंगे घी। घी से इसका फ्लेवर जो है और भी अच्छा आता है, तो आप इसमें एक चम्मच लास्ट टाइम इसमें घी जरूर ऐड करना चाहिए। और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है साबूदाना के हलवे से। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत ही तारीफ पाएंगे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी हुआ है साबूदाना का हलवा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हाँ, इसे कंटिन्यू चलाते रहें। जब तक ये कढ़ाई से अलग नहीं होने लगता है तब तक हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये साबूदाना का हलवा जो है कढ़ाई से अलग होने लगा है, इसका मतलब जो है हमारा हलवा जो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब अंजलि को दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।